नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे प्लास्टिक मटेरियल्स के। प्लास्टिक मटेरियल्स के बारे में मैंने आपको दो वीडियोस ऑलरेडी दे रखी हैं कि आपका टीजी क्या होता है और व्हाट इज द थर्मोसेट प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में क्या डिफरेंस है। ये वीडियोस आपको हमारे मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगी। तो उस सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि मटेरियल जो है हमारा प्लास्टिक का रॉ मटेरियल होता है वो किन बेसिस पर डिफाइन होता है, जैसे कि कितने टाइप के प्लास्टिक होते हैं। अगर हम इस तरीके से बात करते हैं तो प्लास्टिक जैसे कि ओरिजिन के बेस पर डिवाइड होता है और उसके साथ साथ हीट के बेस पर डिफाइन होता है, उसके स्ट्रक्चर के बेस पर डिफाइन होता है। वैसे ही आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि प्लास्टिक यूज के बेसिस पे, मतलब प्लास्टिक का जो यूज होता है उसके बेसिस पे प्लास्टिक हमारा जो है वो कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबा दीजिएगा और उसके साथ साथ बेल की घंटी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल की घंटी आप दबाओगे तो नोटिफाइड रहोगे हम कोई भी वीडियो डालेंगे। तो दोस्तों, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो प्लास्टिक यूज के बेसिस पे तीन टाइप्स में डिवाइड होता है, तीन पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सबसे पहला है हमारा कमोडिटी प्लास्टिक्स। क्या नाम है? कमोडिटी प्लास्टिक। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, और जो लास्ट है हमारा वो है स्पेशलिटी प्लास्टिक, जिसको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस, दैट इज यूज फॉर स्पेशल पर्पस। तो इसीलिए उसका नाम है स्पेशलिटी प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, जो ये तीनों पार्टों पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कमोडिटी प्लास्टिक से। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कमोडिटी प्लास्टिक्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कमोडिटी प्लास्टिक, तो ये कमोडिटी प्लास्टिक जो होते हैं ये होते क्या है? कमोडिटी प्लास्टिक्स आर दोज प्लास्टिक्स विच आर कॉमनली यूज कह सकते हैं आप, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इनको वाइडली यूज भी कहा जाता है क्योंकि ये बल्क में यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? कमोडिटी प्लास्टिक्स। इन प्लास्टिक्स की क्या खासियत होती है कि ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर जो हमारे टाइप हैं, जैसे कि हमारा जो प्लास्टिक कैटेगरी हमारी इंजीनियरिंग प्लास्टिक में आती है, जो स्पेशलिटी प्लास्टिक में आती है, उसके कंपैरिजन में जो कमोडिटी प्लास्टिक का दाना होता है, जो कमोडिटी प्लास्टिक्स में रॉ मटेरियल होते हैं, ये कम एक्सपेंसिव होते, कम कॉस्टली होते, कम पैसों में इनको हम खरीद सकते हैं। तो इसलिए ये वाइडली यूज्ड होते, बहुत ज़्यादा यूज होते, कॉमन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, इनकी उतनी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इनकी थोड़ा सा कम होती कंपेरिजन टू इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड आपका जो स्पेशलिटी प्लास्टिक होगा। तो ये खास बात है हमारी कमोडिटी प्लास्टिक की। तो कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं कमोडिटी प्लास्टिक्स के, जो मटेरियल हैं, जो रॉ मटेरियल हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आपका पीई पॉलीएथिलीन, पीपी जिसे कहते हैं हम नेक्स्ट, वो है पॉलीप्रोपिलीन। उसके बाद आपका आता है पीएस, जिसको हम कहते हैं पॉलीस्टाइरीन। फिर आता आपका पीवीसी, जिसको हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, अलॉन्ग विथ जो हमारा एक और है वो है पम्मा, पॉली मिथाइल मिथा एक्राइलेट। तो ये जो मटेरियल्स हैं ये हैं हमारे कमोडिटी प्लास्टिक के अंदर, इनको हम वाइडली यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, एग्जांपल जैसे कि आपका डिस्पोजेबल, जो आप मतलब ये जो कमोडिटी प्लास्टिक के अंदर जो एग्जांपल आ रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। एग्जांपल जैसे आपका डिस्पोजेबल जो आपकी प्लेटें होती हैं, आपकी डिस्पोजेबल जो कप्स ग्लासेस वगैरह होते हैं, शादी वगैरह में आप देखते हो, पार्टीज वगैरह में यूज़ करते हैं, वो सारे हमारे किससे बनते हैं? वो हमारे कमोडिटी प्लास्टिक के कैटेगरी में आते हैं। उसके साथ साथ जो सीडिंग के ट्रे होते हैं, जिसमें हम बीज वगैरह बोते हैं, जो ट्रेज आती हैं आप मार्केट में देखे होंगे, या आप किसी नर्सरी वगैरह में जाएंगे जहाँ पर प्लांटेशन होता है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ मेडिकल ट्रेस होते हैं, पॉलीथीन वगैरह जो आप पॉलीथीन देखते हो मार्केट में, या ऐसी प्लास्टिक जो कि कैरी बैग्स होते हैं जो कि रीयूज होते हैं, बार बार उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जो हैं ये प्लास्टिक्स हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं हमारे सिंपल कमोडिटी प्लास्टिक की कैटेगरी में। कुछ और एग्जाम्पल जैसे कि पीबीटी पॉलीब्यूटाडाइन टेरेथेलेट, उसके बाद पीईके पॉली ईथर कीटोन, PET जिसको हम PET कहते हैं पॉलीएथिलीन टेरेप्थैलेट, फिर आता है हमारा POM पॉम जिसे कहते हैं पॉली ऑक्सी मिथाइलाइन, नेक्स्ट हमारा PPS पॉली
फेनिलीन सल्फाइट, फिर पीपीओ पॉलीफेनाइलीन ऑक्साइड, फिर आता है हमारा पीएसयू पॉलीसल्फोन, और उसके बाद है हमारे दो पीटीएफई और पीक। पीटीएफई मींस पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन और पॉलीइथर एथर कीटोन। ये दोनों हमारे इंजीनियरिंग प्लास्टिक में भी आते हैं और उसके साथ साथ स्पेशलिटी प्लास्टिक में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों प्लास्टिक मटेरियल दोनों कैटेगरीज में पाए जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी वो है इंजीनियरिंग प्लास्टिक की। अभी आपने जाना कि कमोडिटी प्लास्टिक क्या होता है, तो इंजीनियरिंग प्लास्टिक कमोडिटी प्लास्टिक से डिफर होता है, क्योंकि जो कमोडिटी प्लास्टिक होता है उसको हम लार्ज वॉल्यूम में यूज कर रहे थे, बहुत ज्यादा उस मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है, कॉमन यूज किया जाता है, वैसा इंजीनियरिंग प्लास्टिक में नहीं होता है। इंजीनियरिंग प्लास्टिक में क्या होता है कि हम कम यूज करते हैं कंपैरिजन टू उसका जो वॉल्यूम होता है, जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, वो हम कम इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन टू कमोडिटी प्लास्टिक। खास बात क्या होती है इंजीनियरिंग प्लास्टिक की कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो इसकी मैकेनिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और थर्मल प्रॉपर्टीज, वो दोनों क्या होती, वो ज्यादा होती कंपैरिजन टू कमोडिटी प्लास्टिक्स। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं इंजीनियरिंग प्लास्टिक के, वो है आपका एबीएस अक्राइलोब्यूटाडाइन स्टायरीन। एबीएस से हम क्या क्या बनाते हैं, जैसे आपका कार का बम्पर हो गया, ऑटोमोटिव पार्ट्स हो गए, बाइक का मडगार्ड हो गया, वाइजर हो गया, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल हम एबीएस मटेरियल के यूज के द्वारा ही हम कर पाते हैं। एबीएस मटेरियल क्या होता है, वो इजी टू प्रोसेस होता है इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, हम उसको इजी टू मोल्ड आउट कर सकते, मतलब कि उसको हम किसी भी शेप में आसानी से ढाल सकते हैं और उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं हम इंजीनियरिंग पार्ट्स के लिए या ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए कह सकते हैं, इसलिए ABS का इस्तेमाल हम करते हैं। और ये किस कैटेगरी में आता है, इंजीनियरिंग प्लास्टिक की कैटेगरी में आता है। उसके बाद आपका आता है PC, जिसको हम कहते हैं पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, पॉलीकार्बोनेट आपका जो कार वगैरह होती है, आप कार की जो लाइट होगी, हेलमेट का जो ग्लास होगा, उसके साथ साथ ज़्यादातर जो एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं जो ग्लॉसी टाइप के, वहाँ पे क्या होता है आपका PC का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा आप मीटर केस देखोगे, जो आपका मीटर घर पे लगा होगा उसके ऊपर का जो केस होता है वो क्या होगा, वो भी आपका इंजीनियरिंग प्लास्टिक कैटेगरी में आता है, PC से बना हुआ। उसके साथ अलोंग विद बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर हम डिस्कस करने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे। उसके बाद एक और मटेरियल है आपका पॉलीअमाइड जो कैटेगरी है, जिसमें आपका नायलॉन वगैरह आता है, ये सारे भी आपके आते हैं इंजीनियरिंग पर्पस प्लास्टिक्स में, इंजीनियरिंग प्लास्टिक कैटेगरी में। आपको कुछ मार्केट रेट, मार्केट के बारे में समझाता हूँ। 8.2% मतलब इंजीनियरिंग प्लास्टिक का जो एनुअल मार्केट है वो 8.2% हर साल बढ़ता है। पहले 2014 में जब सर्वे किया गया था तो ये 52 बिलियन के अराउंड था, एंड प्रेजेंटली आज की डेट में ये 90 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंजीनियरिंग प्लास्टिक की भी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते जा रहे हैं इंजीनियरिंग पर्पसेस की, तो इंजीनियरिंग प्लास्टिक की डिमांड भी बढ़ रही। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्लास्टिक के कैटेगरीज इंजीनियरिंग प्लास्टिक के। अब आइए आगे चल के जानते हैं स्पेशलिटी प्लास्टिक, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं। कुछ और एग्जांपल जैसे कि PBT पॉलीब्यूटाडाइन टेरेथेलेट, उसके बाद PEK पॉलीइथर कीटोन, PET जिसको हम PET कहते हैं पॉलीएथिलीन टेरेप्थैलेट, फिर आता है हमारा POM पॉम जिसे कहते हैं पॉलीऑक्सी मिथाइलाइन, नेक्स्ट हमारा PPS पॉलीफेनिलीन सल्फाइट, फिर PPO पॉलीफेनाइलीन ऑक्साइड, फिर आता है हमारा PSU पॉलीसल्फोन, और उसके बाद है हमारे दो PTFE और पीक। PTFE मींस पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन और पॉलीइथर एथर कीटोन। ये दोनों हमारे इंजीनियरिंग प्लास्टिक में भी आते हैं और उसके साथ साथ स्पेशलिटी प्लास्टिक में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों प्लास्टिक मटेरियल। तो दोस्तों इंजीनियरिंग प्लास्टिक के बाद अब बात करते हैं स्पेशलिटी टाइप ऑफ प्लास्टिक्स की, जो तीसरी कैटेगरी थी हमारी। तो इनको हम नाम स्पेशल नाम क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि हम इन्हें स्पेशल पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल बेहद ही कम होता है और बहुत इनको बहुत मिनिमम यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस स्पेशल आइटम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बात आती है कि ऐसे कौन से आइटम, ऐसी क्या खास बात। तो ऐसे आइटम जैसे कि आपका एरोप्लेन के पार्ट्स होते हैं या कुछ पिस्टन वगैरह होते हैं और अलॉन्ग विथ आपकी टेफ्लन की कोटिंग वगैरह होती है, तो इन सारी जो प्लास्टिक
कैटेगरीज हैं या ऐसे एग्जांपल्स हैं, ये आते हैं हमारे स्पेशलिटी टाइप ऑफ प्लास्टिक को जिनको हम कम करते हैं, यूज कम करते हैं, स्पेशल जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। तो आपका पहला एग्जांपल है पी डबल ई के, जिसको हम कहते हैं पॉली ईथर ईथर कीटोन। तो जो पीक मटेरियल है हमारा, ये आता है हमारा स्पेशलिटी टाइप ऑफ प्लास्टिक कैटेगरीज में। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, फैब्रिकेशंस वगैरह में, फैब्रिकेटिंग करते हैं हम। उसके साथ साथ आपकी बैरिंग्स वगैरह में, जो वहाँ पे प्लास्टिक के बैरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे भी पीक का इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद आता हमारा पी टी एफ ई। तो पी टी एफ ई जो मटेरियल होता है, इसका इस्तेमाल हम, जिसको हम टेफलन मटेरियल भी कहते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कोटिंग वगैरह देते हैं। आपका जो फ्राइंग पैन वगैरह होता है, यहाँ पे कोटिंग, या उसके हैंडल पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है, इन मटेरियल्स की क्या होता है, जो स्पेशली टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं, इनकी जो हीट रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि हीट स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, हाई केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, हाई हीट रेजिस्टेंट होते हैं। तो जिनसे क्या होता है कि इनको हम इस्तेमाल कर पाते हैं स्पेशल पर्पसेस पे। उसके साथ साथ आपका एलसीपी, लिक्विड क्रिस्टलाइन पॉलीमर, ये भी आपका आता है स्पेशलिटी टाइप ऑफ प्लास्टिक कैटेगरी में। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसको देख के आप और बेहतर समझ पाओगे कि स्पेशलिटी टाइप ऑफ प्लास्टिक्स क्या है। तो दोस्तों आइए सीखते हैं LCP, लिक्विड क्रिस्टलाइन पॉलीमर। लिक्विड क्रिस्टलाइन पॉलीमर के अंदर आपके जो कंप्यूटर वगैरह में चिप वगैरह बनती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है इस प्लास्टिक का। उसके बाद आता है आपका PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन आपके खास इंजीनियरिंग पार्ट्स के इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं, जिनको हम स्पेशल पर्पसेज में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है आपका पीक पॉली ईथर ईथर कीटोन, जिसमें हम बैरिंग वगैरह, पिस्टन वगैरह में, और साथ साथ में स्क्रू वगैरह, जहाँ पे जो प्लास्टिक के स्क्रू वगैरह बनते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद PPS, पॉलीफिनाइल सल्फोन, ये इंजन वगैरह में बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।